साल चींटियों का आना अशुभ माना जाता है, इसीलिए हम सब घर में लाल चींटियां देखकर उन पर आटा या हल्दी डालकर उन्हें भगा देते हैं। क्या वाकई घर में लाल चींटियों का आना अशुभ होता है? घर में लाल चींटियां आने से क्या होता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। आपने भी अपने घर में कभी न कभी लाल चींटियों को देखा ही होगा। जब बात बारिश के मौसम की होती है तो हम अक्सर अपने इर्द गिर्द घर के कोने में, दरवाजे के किनारे, रसोई घर में इत्यादि जगहों पर चींटियों को पाते हैं। ऐसे में घर में चींटियों को देखते ही हम उन पर हल्दी या आटा डालकर उन्हें भगा देते हैं। परंतु क्या हम कभी यह सोचते हैं कि अचानक चींटियों का झुंड हमारे घर में क्यों आने लग जाता है? अक्सर मौसम बदलते ही हम अपने घर में चींटियों का झुंड देखते हैं, परंतु बेमौसम अचानक बार बार चींटियों का घर में या ऑफिस में दिखना क्या हमें कुछ इशारा करता है? क्या है चींटियों के आने की सच्चाई? घर में सामान्यतः दो प्रकार की चींटियां पाई जाती हैं, एक लाल चींटी और दूसरी काली चींटी। ऐसी मान्यता है कि चींटियों का संबंध हमारे ग्रहों में से शनि और राहु से होता है। चींटियों को शुभ अशुभ मानने से जुड़ी एक कथा भी है। चींटी को श्री हरि विष्णु का प्रतीक माना जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रहलाद को मारने हेतु विभिन्न प्रकार से सताया गया था। एक बार हिरण्यकश्यप ने कहा कि यदि हरि पर इतना विश्वास है तो हम इसे दहकते लोहे के खम्भे से लिपट कर दिखाओ। ऐसे में प्रहलाद ने जब अपने आराध्य श्री विष्णु को चींटी के रूप में उस लौह स्तंभ पर घूमते देखा तो खुशी खुशी उसमें लिपट गए। तपता हुआ लौह स्तंभ शीतल हो गया। ऐसी मान्यता है कि चींटी रूपी नारायण को भोजन कराने से राहु एवं शनि के कोपों का शमन होता है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि घर में लाल चींटियों का आना अशुभ होता है। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि चींटियों को आटा डालने से कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। एस्ट्रो टैरो एक्सपर्ट व न्यूरोमोलॉजिस्ट मनीष कौशिक के अनुसार किसी भी जीव को शुभ अशुभ जोड़ना गलत है। लाल चींटियों को अशुभ मानने के पीछे ये वजह हो सकती है कि लाल चींटियों के काटने से बहुत तेज दर्द होता है और सूजन भी आ जाती है। चींटियाँ ज़्यादातर खाने की चीज़ों के आसपास ही आती हैं। पुराने ज़माने में लोगों की रसोइयाँ साधारण होती थीं, रसोई के बर्तन आदि खुले ही रहते थे। ऐसे में नमी के कारण चींटियाँ रसोई में और खाने की चीज़ों पर आ जाती थीं। काली चींटियाँ तो अपना भोजन लेकर बिल में चली जाती थीं, लेकिन लाल चींटियाँ खाद्य पदार्थों को खराब करने के साथ ही तेज काट भी लेती थी। लाल चींटियों के काटने के कारण ही उन्हें अशुभ संकेत से जोड़कर देखा जाता है।